भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई नए कृषि कानून के समर्थन में आज से कैंपेन की शुरुआत हो गई है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना जिले के बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच किसान चौपाल लगाया है। इस दौरान क्या कुछ कहा सुनिए। तुम बोगे जो हम कहेंगे, तुम वही फसल उगाओगे जो हम कहेंगे, और तुम और कहीं नहीं बेचोगे, सिर्फ आके हमारी मंडी में बेचोगे। और ये सब कुछ है दो प्रदेश में, बिहार में समाप्त हो गया, मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया, उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया, बाकी जगह समाप्त हो गया। तो मेरे भाइयों, कुछ बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस कानून के अंतर्गत किसान की जमीन कोई बिक्री नहीं करेगा, पूंजी निवेशक, नंबर एक। नंबर दो, इस कानून के अंतर्गत किसान की जमीन लीज पर नहीं ले जाएगी। नंबर तीन, इसके अंतर्गत किसान के जमीन पर कोई बंधन नहीं होगा, कोई मॉर्गेज नहीं होगा कि कंपनी से आपने कोई करार किया तो वो आपकी जमीन पर बंधन कराएगा। न करार करने वाला आपकी जमीन बेचेगा, न उसका लीज करेगा, न कोई बंधन होगा। वो क्या करेगा? वो आएगा कि देखो बख्तियारपुर के हमारे किसान भैया, हम अच्छा बीज आपको देंगे, हम खेती का तकनीक भी बताएंगे, आप हमसे करार कर लो, अच्छी फसल उगाओ, उस फसल को हम खरीदेंगे और आपके घर पर आके आपको पैसा पहुंचाएंगे, आपको उस फसल के उगाने में एक पैसा नहीं लगेगा। क्या परेशानी है भाई? और अगर कोई कंपनी वाला गड़बड़ करेगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार खड़ी रहेगी किसानों के पक्ष में। अगर गड़बड़ करेगा तो उसको जेल भी भेजने का काम हम लोग करेंगे।